आगरा जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठा ये किसान परिवार बरेन के गांव नगला गोला का रहने वाला है। खेती बाड़ी करने जीवन यापन करने वाले इस परिवार के बच्चे महिला युवा और बुजुर्ग आज बड़ी परेशानी में है और सभी एक स्वर में एतमादपुर की SDM श्यामलता आनंद पर आरोप लगा रहे हैं कि SDM उनकी 27 लाख रुपए कीमत की जमीन के लिए महज 3.5 लाख रुपया के मुआवजा का दबाव बना रही है और जब उनके परिवार ने उनकी बात नहीं मानी तो SDM ने 14 अगस्त को किसान दामोदर सिंह को मुआवजे के कागजात देकर अपने दफ्तर बुलवाया और कागजात लेने के बाद SDM ने दामोदर सिंह को एक साथ 16 की धारा में पाबंद कर जेल भिजवा दिया। 14 अगस्त से किसान जेल में है और उसका पूरा परिवार SDM पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दे रहा है। परिवार के बच्चे भी स्कूल की पढ़ाई लिखाई छोड़कर धरने पर बैठे हैं। SDM श्यामलता आनंद पर आरोप लगा रहे परिवार के सदस्य कई घंटे तक धूप में बैठे रहे लेकिन किसी अधिकारी ने पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली। जब इस मामले को दर्शन न्यूज की टीम ने अपर मुख्य सचिव शंभुनाथ शुक्ला के संज्ञान में डाला तो उन्होंने आगरा DM से पूरे मामले की जानकारी ले उचित करवाई और किसान परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट, SKH न्यूज। मेरे मामू हैं तो SDM मैम ने मामू को पहले कॉल किया कि आप हमसे मिलने के लिए आओ। तो मामू ने कहा कि अभी मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता। उसके बाद मामू फिर वो वहाँ पे आई मामू के पास के साथ चलो, तो मामू साथ गए। मैम ने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट भी लेके जाओ। डॉक्यूमेंट लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने अन्य जो अधिकारी थे उनको बुलाया, सेतु निगम वालों को बुलाया और उनसे कहा कि जो आपका ये केस चल रहा है 3 साल से पुल का, तो उसमें मामू के हिसाब से जो उनका हर जाना है वो ज्यादा बन रहा है। लेकिन जो मैम है, जब स्टार्ट हुआ था पुल तो सेतु निगम वालों ने 10 लाख की डिमांड रखी थी देने के लिए, लेकिन अब जो मैम है 3 साल से हाई कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब जो मैम है उन्होंने डायरेक्ट आके उनसे ये कहा है कि हम सिर्फ तुम्हें 3.5 लाख रुपए देंगे और अपना केस रफा दफा करो। हाँ, ये जबरदस्ती किया है। और उसके बाद उन्होंने जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके मामू को डिस्ट्रिक्ट जेल में ट्रांसफर करा दिया है। तो सर हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो किसान का हक है वो तो उसे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, उनकी जमीन है आवासीय जमीन है, कृषिक जमीन नहीं है। उसके अकॉर्डिंग उनके जो मामू के अकॉर्डिंग है जमीन 27 लाख की है, लेकिन वो मैम सिर्फ 3.5 लाख रुपए देके रफा दफा कर रही है। इसके हिसाब से बाकी जो 24 लाख का जो हिसाब है उसे कौन देखेगा, उसे कौन देगा।